मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी पुटुन्नी के नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हमारी जान 8:10 नहीं 20 मिनट हो गए हैं, अब सो के उठ रहे हैं और 9 बजे इनको जाना है, इनकी बस आ जाएगी 9 बजे। जब 9 हो फिर बस आ, फिर बस आके हम जा, फिर फोटो फोटो खींच खींच। हाँ, आज हमारे भैया के स्कूल में है ग्रेजुएशन फोटोशूट। मतलब आज जो बच्चे हैं ना, उनका ग्रेजुएशन है, उनका फोटोशूट होगा। तो हमारा भैया वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के जा रहा है। मम्मा कपड़ा वपड़ा निकाल के रख दी हैं, सब कुछ रेडी कर दी हैं। यहाँ साउथ कोरिया में बच्चों का ग्रेजुएशन भी होता है, और जो बच्चे स्कूल से निकलते हैं उनको प्रॉपर कैप वगैरह पहना के फोटोशूट अच्छे से करते हैं। हम भी। अभी आप छोटे हो, जो बच्चे निकलने वाले हैं स्कूल से आपसे 2 साल के बड़े, मतलब वो फर्स्ट में जाएंगे जो बच्चे, उनका होगा ग्रेजुएशन फोटोशूट। और आप लोग क्लैपिंग करोगे। हम ब्रो। हाँ, और सारे बच्चों को वाइट टी शर्ट और डार्क पैंट पहन के आना है। अलग अलग तो किचन के पास हम जाए, अलग सब लोग फोटो। ठीक है, टीचर समझाएंगे। तो हम अपने भैया के चल रही हैं रेडी करने, क्योंकि यहाँ पे हो रही है ठंडी। तो हमारा भैया रेडी हो जाएगा, जैकेट वगैरह पहन लेगा। स्कूल में जाते हैं बच्चे तो हीटर वगैरह चल रहा होता है। यहाँ के स्कूल इतने अच्छे होते हैं, बच्चे घर से जैकेट पहन के जाते हैं, सूज पहन के जाते हैं, बट स्कूल में जाते हैं सूज बाहर निकाल देंगे और जैकेट के लिए प्रॉपर ऐसे स्टैंड होता है, जैकेट वहाँ निकाल देंगे और कंफर्ट होके आराम से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि स्कूल में हीटर चल रहा होता है। तो वही नॉर्मल कपड़ा पहन के यहाँ पे सूज रखेंगे। हाँ, और प्रॉपर, ऊपर स्कूल है। हाँ, फिर जैकेट भी निकाल देते हैं और वहाँ पे बच्चे स्लीपर्स पहन के एंजॉय करते हैं। क्रॉक्स, मतलब सूज, यहाँ पे ये कल्चर बहुत अच्छा है। ये नहीं कि बच्चों को सूज ही पहन के रखना है स्कूल में, सूज निकाल देते हैं और वहाँ पे स्कूल वाला स्लीपर्स होता है जो घर वाले ही देते हैं, और वो लोग हर फ्राइडे स्लीपर्स दे देंगे बच्चे के साथ ही, आप फिर से वॉश करके मंडे को दे दो। तो ये वाला कल्चर यहाँ साउथ कोरिया में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बच्चे आराम से पढ़ाई करते हैं, खेलते कूदते हैं, नहीं कि जूते पहन के बैठे हैं। तो ऐसा है यहाँ का स्कूल का कल्चर। और अब हमारे भैया का फोटो आएगा तो दिखाएंगे रात में। स्लीपर भी है, आपके पास स्लीपर है सब लोग का? हाँ, सब लोग का स्लीपर्स भी रहता है। और यहाँ पे जितने बार आप कुछ खाते हो उतनी बार ब्रश करते हो, तो आप अपने बच्चे का ब्रश पेस्ट और एक कप देते हो ब्रश रखने के लिए, और कुल्ला करते हैं बच्चे से गार्गल उसके लिए। तो वो भी होता है कि बच्चे वहाँ पे खाएंगे तो अपना अपना ब्रश भी करेंगे। तो ये कोरिया का कल्चर है, मतलब स्लीपर्स ब्रश सब कुछ होता है, बच्चे एकदम घर जैसे रहते हैं। हाँ, इन्हें 3 मील भी मिलती है, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स भी। तो हमारा भैया बहुत इंजॉय करता है स्कूल। अच्छा, चलो ब्रश व्रश कर लो, 8:30 बज गए हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट भी करना है। और डांस भी हो। हाँ, हमारा भाई डांस भी करता है अच्छे से। राजा बेटा है भाई, चलो 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 चलो। व्हाट्सएप सिंह आ गए हैं स्कूल से। हमारा बैग भी ब्रोकर। हाँ, और हमें लेना था आज, दूध नहीं था घर में, तो चाय पीने का मन था शाम को, सोच रहा हूँ दूध ले लूं। मन खाली हो। हाँ, और अतब सिंह इतना सामान ले लिया, देखो ये किंडर जॉय, लॉलीपॉप, जो चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट। हम एक सामान लेने आए थे, ग्रेप्स भी ले लिए और ये भी ले लिए, और अतब सिंह किंडर जॉय और वो जेली लॉलीपॉप, इतना सारा सामान ले लिए हैं। और जैकेट वैकेट निकाल के हीरो बन के आए हैं। चलो, ग्रीन लाइट होने वाली है। किंडर जॉय में ये है, और अतर सिंह बैठ के खा रहे हैं गंदे बच्चे की तरह लॉलीपॉप और चॉकलेट आते ही, इसीलिए हम शॉप पे नहीं जाते हैं अतर सिंह को लेके, क्योंकि अतर सिंह तुरंत फैल जाते हैं। हम तो स्कूल बैठिए,
अब इधर मोड़ो, हाँ अब आओ, हाँ फिर थोड़ा बैक करो, हाँ थोड़ा बैक करो, हाँ गुड जॉब, अब फिर आके, हाँ गुड जॉब, हाँ वाह। देखिए हम कह रहे थे मानी जा ना जाएंगे, हमारे भैया आए पार गाड़ी के अपना खेलने, चलो हमारी जान अपनी गाड़ी लेके आई है, नहीं पार में घूमने घूमने करने, स्टाइल स्टाइल मार रहा है एक लड़का, एक लड़का स्टाइल मार रहा है, अपार्टमेंट में सफाई हो रही है आज, क्या अपार्टमेंट में सफाई हो रही है, और आगे चलो ठंडी हो, आपको अच्छा लग रहा है, कौन गार्ड अंकल की है इतना क्लीन है, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए, इधर से साइड से जाएंगे चलो, बच्चे नहीं दिख रहे हैं आज, और उधर है हमारा घर, क्या पूछ रही दादी, देखो देखो भाग रहा है, अतु गाड़ी हाँ आराम से चलाओ, दादी क्या पूछ रही थी, पापा क्या पापा, ऊपर गाड़ी छोड़ के एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तब सिंह, अभी अभी देखो इधर पूरा देखो क्लीन कर दिए हैं, देखो एक अंकल अपना डॉगी लेके घूम रहे हैं, तो सब हो जाएगा कुछ देर में, बेटा कोई एक्सरसाइज नहीं करना, क्यों आपको तो अभी तक एक्सरसाइज करनी थी, आराम से आराम आराम से, ये कर रहा है डिनर, साबुदाने की खिचड़ी, और मम्मा कर रही है दूध गरम, और हमारी गुड्डू खा रहे हैं कोरियन डिश, क्या नाम है इसका बेबी, तकलबी, तकलबी, और मम्मा ने बनाया है चाय, साबुदाने की खिचड़ी, गरम है हाँ ठंडा हो जाएगा फिर खिलाते हैं।